आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का दो दिन पहले छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में देहावसान हो गया। उनके निधन की जानकारी जैसे ही जैन समाज को लगी तो मातम छा गया। जैसे जैसे लोगों को जानकारी लग रही थी वैसे वैसे उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँच भी रहे थे। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से आचार्य श्री का बहुत लगाव था। यहाँ के लोगों को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आचार्य श्री अब हमारे बीच नहीं रहे। जबलपुर के सैकड़ों जैन धर्म के लोग आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के निधन पर केश त्याग किए। जबलपुर के लॉर्डगंज स्थित बड़े जैन मंदिर में मंगलवार को 200 से अधिक लोगों ने मुंडन करवाया। मध्य प्रदेश की धर्मप्रिय संस्कारधानी जबलपुर के राइट टाउन में श्री 108 आचार्य कुंद दिगंबर जैन वीतराग विज्ञान मंडल एवं जैन युवा फेडरेशन द्वारा नव निर्मित संकुल धर्मायतन में श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर का मनोहारी निर्माण कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया में लगाए गए आयुध निर्माण फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को अब तक उनका मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयुध कर्मचारियों के द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष NDSA विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में करीब 300 आयुध निर्माणी के कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन प्रक्रिया में लगाई गई थी, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद भी आज तक उन कर्मचारियों को ना ही मानदेय मिला ना ही TADA मिला है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गोरखपुर क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंची। शिकायतकर्ता सुंदरी कौर ने SP आदित्य प्रताप सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या सुनाई। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके पति की मौत के बाद उनके घर पर उनकी सौतेली बेटी और दामाद ने कब्जा कर लिया है और उन्हें मार पीट कर घर से भगा दिया। मेरे को पुलिस वाले आते ही मेरे घर में चोरी हो गई, सब हो गया। मैं 1.5 साल से बेघर घूम रही हूँ। कभी मैं कलेक्टर ऑफिस में जाती हूँ, कभी SP के, मैं बहुत दुखी, चल फिर नहीं सकती। कभी मैं कलेक्टर जाती हूँ, कभी आप सीनियर सिटीजन जा रहा है। हाँ जी, चलो मैं पहुँच जाती हूँ। आप साइन कर दीजिए, वो बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि ऑर्डर करवा के लाओ, हम आपका केस सर जी, मेरी मदद आप ही करोगे ना? एक आदमी आपके साथ लगा देंगे। जबलपुर में खाद्य सामग्री में मिलावट खोरी करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से मिलावट खोरी करने वाले व्यापारी परेशान हैं। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा घामापुर के बाई का बगीचा स्थित श्री भगवान ऑयल मिल में छापा मारा गया। छापे के दौरान ऑयल में गंदगी और मिलावट का सामान मिला अंदर पाया गया। अधिकारियों ने तकरीबन 200 लीटर सरसों और अलसी का तेल बरामद किया, जो कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं था। मिल मालिक द्वारा देश बड़ी ऑयल कंपनियों के टिन के डिब्बे पाए गए, जिनमें श्री भगवान ऑयल मिल का ऑयल भरा जा रहा था। यहाँ पे हम आज निगरानी समिति के सभी सदस्य बाई का बगीचा स्थित श्री भगवान ऑयल मिल उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे अलसी और सरसों का तेल निकाल के उनको पैक किया जा रहा था, जो कि हमें निरीक्षण करने पर पाया गया है कि बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं पाई गई यहाँ पे, और जो भी खाद्य पदार्थ रखे हुए थे अस्वच्छ परिस्थितियों में पाए गए हैं। और इनके अलावा इनके द्वारा जो तेल पैक किया जा रहा है वो दूसरे ब्रांड के भी कुछ, जैसे सरस, दो फूल, फॉर्चून वगैरह के कुछ टीन पाए गए जिसमें इनका ब्रांड पैक किया गया है, ऐसा बता रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो इसके हम इसमें कार्रवाई की जा रही है और तेल का नमूना लिया जा रहा है, जिसको खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो यहाँ पे गंदगी पाई गई उसके आधार पर हम कुछ तेल के टीन जब्त कर रहे हैं और इस तरह से पूरी कार्रवाई हम अपनी। लगभग कितना तेल जब्त कर रहे हैं? लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 200 लीटर इनके पास रखा हुआ है, उसको हम प्रथम दृष्टया जो है वो ठीक नहीं पाए जाने पर उनको जब्त कर रहे हैं। माधुरी मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जबलपुर।